नेशन एट नाइन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। खबरों की शुरुआत करें लेकिन सबसे पहले नजर 4 मिनट 24 खबरों पर। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के बीच फॉर्मूला तय, 5 साल के लिए होगा शिवसेना का सीएम, एनसीपी कांग्रेस से होंगे 2 डिप्टी सीएम, सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय हुआ फॉर्मूला, कल हो सकता है आखिरी फैसला। शरद पवार के घर पर हुई कांग्रेस एनसीपी नेताओं की बैठक, बैठक के बाद बोले पृथ्वीराज चौहान, कहा कांग्रेस एनसीपी में सभी मुद्दों पर बनी सहमति, कल मुंबई में सरकार गठन पर शिवसेना के साथ होगी चर्चा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान, शिवसेना से हाथ मिलाना अस्तित्व को दफन करने के समान। चुनावी चंदे वाले बॉन्ड पर विवाद, संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा, कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के फायदे का आरोप, लोकसभा में वेल में जाकर कांग्रेस सांसदों ने की नारेबाजी। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर पानी के सैंपल लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंचे बीजेपी नेता, 500 जगह से लिए थे पानी के सैंपल। राम मंदिर पर पहली बार बोले अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, कहा आसमान छूने वाला बनेगा राम मंदिर, मंदिर मामले को अटकाने में कांग्रेस का अहम योगदान। फिरोज खान नियुक्ति मामले में बीएचयू की दो टूक, छात्रों की मांग मानने से किया इनकार, रद्द नहीं होगी संस्कृत विभाग में फिरोज खान की नियुक्ति। वही बीएचयू मामले पर सीएम गहलोत का ट्वीट, मुस्लिम व्यक्ति का संस्कृत स्कॉलर बनने का बीजेपी आरएसएस को करना चाहिए स्वागत। सांभर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ली वन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, कहा केंद्र भी करे मामले में मॉनिटरिंग, बरेली में आए रिपोर्ट में की है एवियन बॉटलिज्म वायरस की पुष्टि। निकाय चुनाव में जीत के बाद सीएम गहलोत का मोदी शाह पर हमला, कहा अब मोदी शाह कांग्रेस मुक्त भारत का नाम नहीं लेंगे, हरियाणा हिमाचल महाराष्ट्र के नतीजों ने दिखाया आईना। रक्षा मंत्रालय की कमेटी में साध्वी प्रज्ञा मिली को जगह, कांग्रेस बोली गोडसे, भक्तों के अच्छे दिन शरद पवार, ए राजा भी है हिस्सा। भारत ने पाकिस्तान से गिरफ्तार किए गए अपने 2 नागरिकों तक राजनीतिक पहुंच मांगी, कहा हमारे नागरिकों को आतंकवादी कहकर प्रोपेगेंडा ना फैलाए पाकिस्तान। बीपीसीएल विनिवेश निर्णय पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कांग्रेस ने कहा सरकार देश को बेच रही है। एनआरसी पर ओवैसी सरकार पर हमला, कहा खोदा पहाड़ निकला चूहिया, देश को लाइन में लगाने की कोशिश, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, देश में बाबुओं की दया पर अल्पसंख्यक। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे राम वन गमन के 8 स्थान। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, गांधी परिवार से एसपीजी हटाने के खिलाफ भी बोला हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले की साजिश नाकाम, कुलगाम में बड़ा हादसा टला, कुलगाम अनंतनाग के पास हाईवे पर आईईडी बरामद। व्यापम पुलिस भर्ती घोटाले में फैसला, सभी 31 आरोपी दोषी करार, 25 नवंबर को होगा सजा का ऐलान। आईएनएक्स केस में मामले में चिदंबरम से तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी इजाजत, 25 नवंबर तक ईडी और सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हवाला के जरिए सीमा पार में भेजा जाता है पैसा, साल 2019 में मार गिराए गए 365 आतंकवादी। 3 नगर निगमों में मेयर का काउंटडाउन शुरू, नामांकन के आखिरी दिन उदयपुर भरतपुर बीकानेर नगर निगम में प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। राजधानी में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर सरकार गंभीर, रेस्टोरेंट्स के लिए मापदंड होंगे तय, 22 नवंबर को मंत्री शांति धारीवाल लेंगे बैठक। उदयपुर के गोगुंदा में न्यू इंडिया की बदहाल तस्वीर, घर से मेन रोड तक चारपाई पर लाना पड़ा गर्भवती महिला को, उबड़ खाबड़ रास्तों में फूला दम, सुविधाएं नहीं होने से कई मरीजों की हो चुकी है जान। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा।